क्या आप जानते हैं कि संघ ने देश हित में बारूदी बुद्धिजीवियों शहरी नक्सली गैंग पर प्रचंड प्रहार किया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि शहरी नक्सली गैंग हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए मंत्र युद्ध में जुटे हैं। मगर मंत्र युद्ध वालों को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि मुट्ठी भर देश विरोधी सोच वाले लोग हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के हित को नुकसान कतई नहीं पहुंचा सकते। बारूदी बुद्धिजीवियों पर भागवत की लाठी, टुकड़े टुकड़े गैंग पर बरसे भागवत, भारत के खिलाफ देश विरोधी गैंग का मंत्र युद्ध। संघ की शाखा में मोहन भागवत की लाठी भले ही अभ्यास के तौर पर चलती हो, लेकिन इस बार उन्होंने बारूदी बुद्धिजीवियों पर बयानों की जो लाठी चलाई है वो सुर्खियों में है। विजयादशमी के मौके पर भागवत ने हिंदुस्तान के हित से लेकर तमाम विषयों पर भाषण किया, मगर इस बात पर ज्यादा चिंता जताई कि देश हित को नुकसान पहुंचाने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश से सबको सावधान रहना होगा, क्योंकि देश विरोधी अर्बन नक्सल गैंग भारत के खिलाफ मंत्र युद्ध छेड़ रहा है, जो किताबों और युवाओं के बीच जहर फैलाने का काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि आपस में साजगार करके जिसको अपनी परंपरा में मंत्र युद्ध कहा गया है, ऐसा एक कूटनीतिक अंतर्गत भेद उत्पन्न करने वाला युद्ध चल रहा है हम सबके विरुद्ध। समाज, शासन, उसकी व्यवस्था, परंपरा और सभी। संघ ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में भी अर्बन नक्सल गैंग पर हमला बोला है। संघ प्रमुख का कहना है कि कथित बुद्धिजीवियों ने संगठन बनाकर देश के खिलाफ झूठा प्रचार करने की जो राजनीति शुरू की है, ये देश हित में नहीं है। इस मामले पर सियासत भी गरमाने लगी है। रोकते क्यों नहीं, बोलते क्यों? सर, बोल के काम चलाओगे? देश के संविधान के अनुसार जो कानून के खिलाफ जाए उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करे। देश हित को नुकसान पहुंचाने वाले मुद्दों पर किताबें लिखना, परिचर्चा करना, देश विरोधी लोगों का साथ देना और देश के खिलाफ साजिश रचने वाले अर्बन नक्सल गैंग का सच सबके सामने आ चुका है। अब देश के हर नागरिक का फर्ज है कि देश हित में ऐसे देश विरोधी लोगों से दूर रहें और उनका विरोध करें, क्योंकि देश और देश हित से ऊपर कुछ भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।